गुड मॉर्निंग। आज नेटचा थोडा प्रॉब्लेम आहे वाटते, तर थोडंसं मला सांगाल। जर आवाज वगैरे नाही आला तर मॅसेज कराल मला किंवा सेकंड नंबरवर कॉल कराल मला। ओके, एअरटेलवर नाही, जिओवर। नुसता एक कॉल जरी केला किंवा माझ्या नंबरवर तुम्ही मॅसेज जरी केला तरी माझ्या लक्षात येऊन जाईल, कारण मला लाईव्ह जायला आता खूप वेळ झाला। मी खूप वेळापासून करतो जाते, स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंगचाच प्रॉब्लेम येत आहे। ठीक आहे, तर काल जे मी तुम्हाला शिकवलं ते परत एकदा सांगतोय। काल मी बोललो होतो की काल कृपा करून बॅचमध्ये याल, पण काही विद्यार्थी आले नाही, तर मी काही टेक्निक सांगितल्या होत्या, त्या टेक्निक मी आता रिपीट करत नाही। तर फॉर्म्युला तरी कमीत कमी तुम्ही पाठ करून टाका। ठीक आहे, आता रिपीट न करणे याच्यामागे कारण असं आहे, कारण काहीच नाही आहे। ठीक आहे, तुमचा आयडी पण आहे, बस एवढं मी म्हणू शकतो। काय मला वाटते 30-31 जण होते काहीतरी काल, तर तुम्हाला समजायला पाहिजे थोडंसं। पेपर तुम्हाला द्यायचा आहे, मला थोडी द्यायचा आहे पेपर। तेच ते पोरं असतात, तेच पोरं उत्तर देते इकडं, तो ज्योतिरादित्य उत्तर देते, त्याच्यानंतर इकडं तो ऋषिकेश उत्तर पाठवते कधी कधी, चर्जन, प्रतीक, तेच काय नाही तिचं उगले, राधिका झाली, कडू, तेच पोरं असते बडनेराचे, अजून 2-3 जण, आणि अमरावतीचे तेच दर्शना झाली, त्याच्यानंतर हे पोरं तर बाकीचे घरी येऊन दाखवतात काही ना काही करून, तर तो तर त्यांचे मी नाव काही घेत नाही जे घरी येतात। तेच विद्यार्थी असतात, बाकी काय, बाकी काय झोपा काढतात। 10 वेळा सांगितलेला आहे, तुम्हाला प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही मला येऊन भेटा, बोला, फोन करा, व्हॉट्सॲपवर पाठवा। असं एकही विद्यार्थी सांगून द्या मला की सर मी पाठवलं, वेळ होते मी मानतो, 2 दिवसाचे 4 दिवस आणि 8 दिवसही लागू शकतात, पण मी उत्तर देतो। आलं का लक्षात? बघा, इकडे कोणकोणते एक्झाम्पल झाले, मी टीकही नाही केलं याच्यावर। बघा, फोर 59, आय बरोबर इंटिग्रेशन ऑफ 3/4 − x² dx। ठीक आहे, हा 3 बाहेर काढून घ्या पहिले तुम्ही। इंटिग्रेशन ऑफ 4 − x² dx जे काल सांगितलं त्याच्यानुसार क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे बघा, 4 − x² इज युअर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, अँड मिडल टर्म ॲबसेंट आहे, मिडल टर्म ॲबसेंट आहे। याचा अर्थ आठवत आहे का तुम्हाला? x² x² e² e² + सॉरी -++ यापैकी कुठे बसतो? −x² म्हणजे इथे बसतो, 4 − x². ठीक आहे ना, लागेल तरी फक्त एवढंच लिहू, आता एवढं सगळं न लिहिता। आता e² − x² म्हणजे 4 − x² होता, तो ए की व्हॅल्यू म्हणजे आती तुम्हाला 2 और एक्स की व्हॅल्यू आती तुम्हाला एक्स। ठीक आहे, विदाउट रूट है कि विथ रूट है? विथ रूट है, मेरा विदाउट रूट है। विदाउट रूट में क्या आता? 1/2 a log(a²−x² है ना, तो x अगर नेगेटिव रहा तो a माइनस एक्स नीचे, a प्लस एक्स नीचे, ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला। और a के जगह पे a की वैल्यू डाल दो, log ऑफ x के जगह पे x प्लस c। इज दैट ओके? 460 नंबर ले लेते बैठे बैठे, 460। आई बरोबर इंटीग्रेशन ऑफ √x² − 9 dx। सो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? फिर से वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडल टर्म एब्सेंट है, तो आप इसे कंपेयर करोगे किसके साथ में? x² − a² के साथ में। सो x बराबर x, a बराबर 3, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट जैसा का वैसा, रूट के अंदर बाहर 1/a 1/2a वगैरह कुछ भी आता नहीं है। मैंने एक इमेज या पिक्चर आपको भेजा था कल का स्क्रीनशॉट, जिसमें फॉर्मूला लिखा हुआ था, आप उसे चेक कर सकते हो। ओके, सो ये आएगा आपका जैसा का वैसा प्लस सी, सिंपल है ना।
ये रूट वाले इंटीग्रेशन काफी इजी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो साइन इनवर्स आता, बाकी सब लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट, रूट मतलब वही जो यहाँ पे है, ये आपको नहीं आएगा, ये बहुत आसान है, लेकिन इसके पहले आपको ये करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको नहीं जमेगा, ठीक है। 463 I is equals to integration of 1 upon under root 11 minus 4x square dx. Yes, ये start example है किताब के अंदर का है, तो एक काम करता ना, मैं अलग से आपको पढ़ाता। इतपर्यंत के कोणाला प्रॉब्लम है? Very good morning, all of you. I is equals to integration of 1 upon root 11 minus 4x square dx. तो ये क्या आएगा आपका, ठीक है ना, x square का जो बाजू वाला है साथी है उसको आप कॉमन निकालो, 4 आप कॉमन निकालो, so it will be 11 by 4 minus x square. Is that okay? x square के साथ वाला आपको 4 कॉमन निकालना है, 11 by 4 root x square, और ये आएगा आपका, ये 4 को रूट से बाहर निकालो, 11 by 4 minus x square, ठीक है, और ये बच गया आपका 11 by 4 minus x square, is that okay? अच्छा, अब आगे क्या करोगे आप, so फिर से ये root के अंदर का quadratic equation है ना, और quadratic equation में middle term absent है, अगर middle term absent रही तो ये S9 formula बोलते हैं इसे, कल हमने इसे solve किया था, ठीक है, तो ये यहाँ पे हम यूज करेंगे S9 फॉर्मूला, इसे हम पहले कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में, 11 बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर, सो ए बराबर अंडर रूट 11 बाय 9 और एक्स बराबर एक्स आ गया, ये मैं इसलिए लिख रहा क्योंकि एक्स के जगह पे कुछ और भी आ सकता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, तो ये साइन इनवर्स है तुम्हारा इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए की वैल्यू, दैट इज रूट ऑफ 11 अपॉन 9 प्लस सी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो आप मुझसे डायरेक्ट मिल लो, मैं आपको समझा देता, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, स्टार्ट एग्जांपल है किताब के अंदर का, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है, आपको कर करके देखना पड़ेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट करो और पूछो मेरे को, सर मेरे को ये जम नहीं रहा, मेरे को बताओ, ठीक है। समझा था का? तुम्ही पण आंसर द्यायचा प्रयत्न करा थोडा, नुसतं बसू नका पिक्चर पाहण्यासारखं। ठीक आहे, तो 465 आय बराबर इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 11, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गया तो सबसे पहले तो x स्क्वायर का जो बाजू वाला है वो आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडल टर्म आपकी एब्सेंट है, तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आपको S9 फॉर्मूले में इसको कंपेयर करो, किसके साथ में होगा, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ में कंपैरिजन होगा, सो ये सब हमने कल देखा था कि ये क्या है, कैसे सॉल्व होता है, ठीक है ना, और ए बरोबर अंडर रूट ऑफ 11 बाय 4, सो 1 अपॉन 4 इंटू ये आएगा आपका 1 अपॉन ए, मतलब ए की वैल्यू, इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब एक्स अपॉन ए म्हणजे रूट 11 बाय 4,
तर S9 फॉर्म्युले तुम्हाला रोज लिहायचे आहे. फक्त 9 फॉर्म्युल्यापैकी 6 फॉर्म्युले लिहून दिलेले आहे, अजून 3 फॉर्म्युले बाकी आहे. सगळे फॉर्म्युले लिहायचे आणि मला रोज तुम्हाला पाठवायचे. हे तुमचं रोजचं होमवर्क आहे, लक्षात घ्या. डेली डेली तुम्हाला फॉर्म्युले पाठवायचे आहे. इज दॅट ओके? ठीक आहे, ये रहा आपका 465. डेली तुम्हाला मला S9 फॉर्म्युले लिहून लिहून पाठवायचे आहे. हा पण तुमचा पुस्तकातला एक्झाम्पल आहे, स्टार्ट एक्झाम्पल आहे. ठीक आहे, पीछे का कुछ नोट्स देने की बाकी है क्या, मुझे बता देना कहाँ से बाकी है, मैं फोटो निकाल के भेज दूंगा. चलो, एक 475 भी ले लेता मैं, ये भी किताब के अंदर का है. काफ़ी आसान तरीके हैं ये करने के. बस अब वो डिपेंड करता है कि आपको फॉर्मूला लर्न है या फिर मैंने जो कल का ट्रिक बताया वो आपको याद है. दोनों में से कोई भी रहा तो भी चलेगा. आप अगर एब्सेंट भी रहे तो कोई इशू नहीं है, फॉर्मूला आप लर्न कर लो. मैं तो वैसे तो मैं ट्रिक बता ही रहा है यहाँ पे, मैं नई चीज़ नहीं, हालांकि मैंने बोल दिया लेकिन मैं ऐसा कभी करता नहीं. ठीक है, यही मैंने कल पढ़ाया था. सिंपल वे है, देखो फिर से एक बार देखो, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. देखो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में फर्स्ट टाइप था तुम्हारा पॉलीनोमियल का, सेकंड था क्वाड्रेटिक का, थर्ड था ट्रिगो का. तो क्वाड्रेटिक में हम क्या देखेंगे, मिडल टर्म देखेंगे. ये क्वाड्रेटिक है, मिडल टर्म आपकी एब्सेंट है. मिडल टर्म अगर एब्सेंट रही, क्रॉस रहा, तो हम यूज करेंगे S9 के फॉर्मूले. तो S9 के फॉर्मूले माने स्पेशल 9 फॉर्मूले में से 6 फॉर्मूले मैंने क्वाड्रेटिक के आपको लिख के दिया है. ठीक है ना, मैंने इसको S9 के फॉर्मूले लिख के दिया है. तो ये आइडेंटिटीज की पहचान के रखना. ठीक है, लेकिन जो भी कुछ करोगे आप क्वाड्रेटिक में, सबसे पहले x² को आपको अकेला करना पड़ेगा. तो बांग्लाजा होशियार, x² को आपको कॉमन निकालना पड़ेगा. मैंने कॉमन निकाल लिया. इज दैट ओके? हाउ भी नहीं बोलते, नहीं भी नहीं बोलते. ठीक है हाँ, और आगे तो आपको पता है क्या होगा, रूट है, रूट का फॉर्मूला लगा दूँ. ठीक है, लेकिन तो एक बार मैं फॉर्मूले जाते समय थोड़ा सा रिपीट करवा दूंगा अगर समय रहा तो, लेकिन अभी मुझे पहले ये कंप्लीट करवाना है. आगे आपको फॉर्मूला, ये आपकी जिम्मेदारी, आप संभालो जिम्मेदारी. मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो गया अभी. चलो एक और ले लेता मैं, छोटा वाला एग्जाम्पल, 471 नंबर. लेकिन उसके पहले हम इसके पीक निकाल लेते. देखो रेसिपी को ध्यान में रखो ना, रेसिपी को ध्यान में रखो, प्रोसेस को ध्यान में रखो. गुड मॉर्निंग कामिनी. कामिनी आजकाल तू काही अभ्यास अभ्यास सगळं सोडून दिलं वाटते, हा काही होमवर्क पाठवत नाही काही नाही. आज मी तुम्हाला का नाही हे सेंड करतो, बरं थांबा बरं तुम्ही, आज मी तुम्हाला टाइम टेबल सेंड करतो, कोणत्या दिवशी कोणता पेपर याचा एक टाइम टेबल तयार करतो. तुम्ही पहिले 5-6 पेपरचा टाइम टेबल एक रेडी करतो आणि तो पाठवतो तुम्हाला. हप्त्यातले 2 दिवसही पेपर येऊ शकतात, माझ्या नावाला बुमलाचं नाही. कंप्लेंट आहे नाही करायच्या इकडं तिकडं, नाही तर फिजिक्सच्या मॅडमला तुम्ही फोन लावता आणि सांगता म्हणता की मॅथच्यानं माझा अभ्यास होत नाही. ते फालतू धंदे नाही करायचे, अभ्यास करायचा तर तुम्हाला कोणते हलती तोही करायचा आहे नाही करायचा आहे. आलं का लक्षात? त्या मग मला फोन करते विनाकारण. हालांकि ये गलत बात है, वो आपको बोलना भी नहीं चाहिए, किसी और को मुझे भी बोलना नहीं चाहिए कि मैं कब टेस्ट लूँ और कब टेस्ट ना लूँ, क्योंकि ये मेरा विशेष अधिकार है. ठीक है ना, हाँ उस समय मैं टेस्ट नहीं ले सकता, लेकिन ये क्या बात हुई कि मेरी कल टेस्ट है इसलिए आप टेस्ट मत लो. ठीक है ना, ये बात नहीं. हालांकि मेरी कल टेस्ट रहती लेकिन उसके पहले कभी कभी सबकी टेस्ट रह जाती, तो ये थोड़ा सा गलत बात होती. तुम्हारी भी गलत बात है और जो मेरे को बोलता उनका भी गलत बात है. तो ये तो मैं बिल्कुल इसमें मैं बैठने ही नहीं वाला हूँ. आप मुझे कुछ भी करो, मैं आई एम नॉट अ मैनिपुलेटेड. ओके, सो आप अगर चाहते हो कि मैं मैनिपुलेट हो जाऊँ तो सो आई एम नॉट गोना बी प्ले द रोल ऑफ द पपेट. मैं पपेट नहीं हूँ. ठीक है ना, मैं जो लोग मुझे पहचानते हैं वो जानते हैं कि मैं इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग हूँ, मुझे बहुत जल्दी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता. हालांकि मैं चिड़चिड़ा हूँ, मेरी ये कमजोरी है कि मेरे को बहुत जल्दी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ. ठीक है ना, ये बात आप किसी जो भी बच्चे मुझे पहले से पहचानते इसमें गए उनको आप पूछ सकते हैं. बढ़ने वाले ने अमराती वाले पहचानते होंगे, एक दो तो है ही कम से कम. ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना.
तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए कि सर तुमची टेस्ट होती म्हणून माई फिजिक्सची अभ्यास नाही झाला किंवा फिजिक्सच्या मॅडमला फोन लावून सांगणं सर मॅथची टेस्ट होती म्हणून माझा नाही झाला नंबर, मेरे को फोन लगा के बोलना कि फिजिक्स की थी इसलिए मैं तुम्हारा, ये कोई बड़ी बात नहीं है आराधन में, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं पिछले साल भी ऐसा ही करता था, इस साल भी ऐसे ही कर रहा, जिसको जितना पढ़ना है उतना ही वो पढ़ता चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कब लूँ फिर टेस्ट, हफ्ते में एक टेस्ट से मेरा कुछ नहीं होता, मेरी थ्योरी थोड़ी ना है, मेरे को प्रैक्टिस लेनी पड़ेगी, मेरा मैथमेटिक्स है। अच्छा दोनों तबलों से हाथ रहता, मैथ्स वाले ने प्रैक्टिस ली तो बोलते बहुत प्रैक्टिस हो गई और नहीं ली तो बोलते बहुत कम प्रैक्टिस हो गई, दोनों तबलों में हाथ रहता, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। ये मेरा विशेषाधिकार है कि मैं टेस्ट कब लूँ और कब नहीं लूँ। हाँ मेरी टेस्ट अगर दूसरे के टेस्ट के दिन आ रही तो फिर वो गलत बात है, ये मैं मानता। और अक्सर आपने देखा होगा कि मेरी जो बड़ी टेस्ट रहती वो मेरे टाइम पर रहती, अक्सर मेरी छोटी छोटी टेस्ट रहती, चार एक एक्सरसाइज की, दो एक्सरसाइज की, तो मेरा प्रैक्टिस का पार्ट है, वो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं तो नहीं करूंगा मेरे पढ़ाने के स्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि जो बच्चे को देखते ना, हालांकि अभी भी वो बोर्ड के ऊपर तुमने देखा उसमें 5 डाले हुए नहीं है, अमराती वाले बच्चों को पता है किस किस के नाम नहीं है उसमें, ठीक है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ मैथ्स में मिले थे, इसलिए जिनको ओवरऑल मार्क्स मिले थे उनको हमने वहां पे डाला हुआ था, ये बात ध्यान में रखना। 90 के ऊपर कम से कम, इतनी छोटी बैच होने के बाद भी मेरे कम से कम 9 से लेकर 10 बच्चे हैं 90 के ऊपर, चार बच्चों के नाम तो अभी अभी मेरे को याद आ रहे कि जिनके नाम नहीं है, मैंने गिन के रखा था, ये बात ध्यान में रखना। वो जो मिलते ना वो उसी के कारण मिलते, क्योंकि वो पढ़ाई करते, फिजिक्स की पढ़ाई होंगी, केमिस्ट्री की होंगी, बायो की होंगी, सबकी पढ़ाई करो माशाल्लाह करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मैथ्स की पढ़ाई नहीं होती, मैथ्स की प्रैक्टिस होती, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, वो झक मार के करो कि कैसे भी करो, मुझे वो करना नहीं है तुम क्या मार के कर रहे। मैं सीधा फुल्लम फुल्ला बात पे बोलता, इधर उधर की बात मेरे को नहीं जमता, ठीक है ना, वो तुमको करना ही पड़ेगा, मैथ्स की प्रैक्टिस ही रहती, मैथ्स की पढ़ाई नहीं रहती। अगर ये आपके दिमाग में है कि मैं मैथ्स की पढ़ाई करूंगा, मैं लर्न करूंगा, ये गलत चीज़ है, गलत बात है, किस इंसान ने तुम्हारे मन में भरा है, बिल्कुल गलत है। मैथ्स की पढ़ाई रहती ही नहीं, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल सॉल्व कर करके देखने, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। और अगर आप वैसे सोचोगे कि जैसे केमिस्ट्री की पढ़ाई होती है या फिजिक्स की होती है या हिस्ट्री होता है या ज्योग्राफी होता है, वैसा ही मैं मैथ्स की पढ़ाई करूंगा, तो वो गलत चीज़ है, वैसी मैथ्स की पढ़ाई होने वाली नहीं है, ये चीज़ आप समझ के रखो, समझ के चलो, ठीक है। एक सेकेंड ना, ठीक है 479। बस एक कुछ स्टार्ट वाले एग्जांपल में ले रहा, हालांकि मैंने कल बहुत इसको विस्तृत ढंग से, मैंने शायद कल एग्जांपल ज्यादा नहीं दिए थे, लेकिन मैंने बहुत आपको इसके इस पर मैंने बहुत सारा भाषण दिया था, लंबा चौड़ा भाषण था, हाँ लंबा चौड़ा था, बराबर है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडल टर्म अगर गायब रही तो आप क्या करते हैं, S9 का फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पेशल 9 में से स्पेशल 6 फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, बचे हुए फॉर्मूला जो तीन है मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखना है यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो कॉमन निकालना पड़ेगा, 7/2 + x², ठीक है। तो आपको इसको कंपेयर करना है a² + x² या x² + a² किसी के साथ में भी करो, वैसे हम ऐसे लिखते याद होगा तो देखो, ये सारी वही टेक्निक है जो मैंने आपको पहले से पढ़ाया, मैंने जानबूझ के डेरिवेटिव में ये टेक्निक आपको पढ़ाई थी, क्योंकि मुझे पता है कि ये टेक्निक आगे आने वाली है, ठीक है ना। मेरा तो एक ही सिद्धांत रहता, ना तो कोई चीज़ डायरेक्ट शुरू करो और ना तो कोई चीज़ डायरेक्ट खत्म करो, एक ही सिद्धांत रहता मेरा। तो ये x² + a² ये यहाँ से पता चलता, a² की साइन चेक करो, x² की साइन चेंज करो, दोनों प्लस है तो ये मिडल वाला, और विदाउट रूट है कि विथ रूट है वो चेक कर लो, सो विदाउट रूट है
विदाउट रूट सेकंड नंबर टैन इनवर्स है, विद रूट फर्स्ट नंबर साइन इनवर्स है। विदाउट रूट में वन अपॉन ए वन अपॉन टू ए आते, विद रूट में वन अपॉन ए वन अपॉन टू ए नहीं आता। सेकंड नंबर में ये आपका फॉर्मूला जाएगा। अब देखो थोड़ा कंपैरिजन कर लो, बाप रे काय आहे, अच्छा माझ्याच घरची वॉशिंग मशीन आहे, एक्स स्क्वेअर, ठीक है। सो तो ये बन गया आपका ए की वैल्यू 7/2 का रूट और एक्स की वैल्यू एक्स बन गई, सो ये 1/2 वन अपॉन ए लॉग ऑफ नहीं टेन इनवर्स, साइन इनवर्स और टेन इनवर्स छोड़ के बाकी सारे लॉग है, एक्स अपॉन अंडर रूट 7/2 प्लस बड्डी वैल्यू सी। सो ये हो गया आपका एक एग्जांपल। थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर देता, देखो आपको पसंद आए तो करना। 473 नंबर एकदम लजीज है, बिल्कुल लजीज एग्जांपल है, ऐसे लजीज से हमने कुछ उस दिन खाया था लाके, मस्त लगा था। बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स का बोल रहा मैं, ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो एक्स के साथ में ही लेना देना है। तो जिससे जिसके साथ में मुझे लेना देना है ना, मैं तो उसको ही देखूंगा ना। वो कौन सा गाना है, वो अभी नया नया रिलीज हुआ, वो गाना देख लेना, पता नहीं भूल गया, चलो ठीक है। तो मुझे इन सब में सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ में काम है, तो मैं तो उसको ही देखूंगा, ये तो मेरे पास में है ही नहीं, दिखते ही नहीं मेरे को ना, तो इनकी आवाज़ ऐसे लोग रहते ना, देखो ऐसे लोग रहते नेगेटिव लोग, या जिनके साथ में मेरी पट्टी नहीं या आपकी पट्टी नहीं, उन लोगों की आवाज़ भी नहीं पसंद, सुनाई नहीं देती अपने को, वो लोग दिखते भी नहीं अपने को, ध्यान रखना, बहुत गुस्सा आता है ऐसा उन लोगों को देख के, है कि नहीं। सो एक्स स्क्वायर का जो साथी है उसको आप कॉमन निकाल लो, उसी हिसाब से यहाँ पे चलेगा। एक्स स्क्वायर में अकेला होना, एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नहीं टिकता, क्यों नहीं टिकता, क्योंकि इसको अहंकार है, ये अहंकार में लवरेज है कि मेरे पास में पावर है, पावर इज दैट ओके, मेरे पास में क्या है, मेरे पास में पावर है, उसको ऐसी अहंकार है। ये बी स्क्वायर को हम बाहर निकालते हैं, हालांकि काफी सारे लोगों को अपनी पावर जताने के लिए आवाज को बड़ा करना पड़ता है, जो शांत लोग रहते ना वो कभी भी आवाज को बड़ा नहीं करते, वो खेल जाते टाइम आने पे, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोल सकते, रणनीति बोलो या कुछ और बोलो, चलो छोड़ दो, घर वाले सुन रहे होंगे तो बोलेंगे मेरे बेटे को क्या क्या सिखा रहा, लेकिन इसको आपको कभी ना कभी देखो दो चार होना ही पड़ेगा। अब मैं भी जब नया नया फील्ड में आया था 2-3 साल पहले, तो मुझे भी काफ़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन वो ठीक है, वो कैसा रहता है, वो कभी कभी किसी का खून रहता है कहीं एकदम, या उसको घर में वैसा माहौल मिल जाता अपने फैमिली में, तो मैं बहुत जल्दी संभल गया था इन सारी चीज़ों से। अच्छा पॉलिटिक्स हो रही है ना, ठीक है, मेरे अंदर का जो इंस्टिंक्ट था ना वो बचपन से था, वो मैंने क्योंकि मैंने देखा था ये सारा माहौल मेरे घर में, या मैंने सुना था या देखा था, या मैं इसी माहौल में पला पड़ा हूँ, तो मैंने तो उसको अडॉप्ट कर लिया बहुत जल्दी से, लेकिन काफ़ी लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना। मतलब मैंने तो मतलब ये आदित्य पहाड़िया की वाली जो बैच थी, मैंने उनको बताया भी थे, मैंने बहुत सारे किस्से बताए थे इसकी, मेरे जब मैं मेरे फर्स्ट कॉलेज में था, नाम नहीं ले सकता मैं लाइव हूँ यहाँ पे, बहुत सारे मैंने किस्से बताए थे इनको, ये थे या फिर वो था अपना, अभी जो 11th में अपनी वेदांत की जो बैच है, वेदांत मेटकर हो गया, वेदांत ये हो गया अपना क्या नाम है उसका, शिरसागर हो गया, इनको मैंने बहुत सारी बात बताई थी इसकी कि क्या क्या हुआ था उस टाइम पे, है ना। तो ऐसा रहता है, तो देर सवेर आपको कभी ना कभी ये सारी चीज़ों के साथ में आपको दो चार रात करनी ही पड़ते। अरे कौन सा सॉन्ग है, ए गाने मत पाले अपे, कल पे छंगनी मत गाओ गानी, दो एग्जाम्पल बाकी है, मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं करो उसको, और मैं क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर दूँ, वैसे टाइम थोड़ा कम है,
मुझे अगर आज समय मिला या मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा शाम के वक्त एक्सरसाइज भी करूँगा आज अभी, तो बीच में अगर मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा हैंगआउट वैंगआउट के लिए भी जाना पड़ेगा अपने को डेली, तो मुझे अगर ऐसा लगा कि बताना चाहिए तो मैं एक लाइव एपिसोड डाल दूंगा, तो आपको देख लेना उसको। याद है? अरे जी याद है, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में तीन टाइप है और तीन रूल्स है, तीन टाइप और तीन रूल्स। फर्स्ट टाइप पॉली वाला, सेकंड टाइप क्वाड्रेटिक, थर्ड टाइप ट्रिग्नोमेट्री। पॉली में हम डिग्री चेक करते दोनों की सेम, ऊपर का नीचे, सॉरी हाँ नीचे का ऊपर, ऊपर की बड़ी डिवीजन में तो नीचे की बड़ी पार्शियल फ्रैक्शन जो कि आने वाला है। सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक में हम क्या करेंगे अभी जो मैंने पढ़ा वो करेंगे। क्वाड्रेटिक क्या है बेटा तुम्हारा, सो अगर मैं टाइप टू पढ़ाऊँ तो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मैं बोलता मिडल टर्म, एम टी, एम टी माने मिडल टर्म, मिडल टर्म, ठीक है छोड़ दो स्पेलिंग गलत हो गया। ओके तो अच्छा मैं क्या बोल रहा था, हाँ इसके अंदर जो सब टाइप्स है क्वाड्रेटिक के, वो है क्वाड्रेटिक का टाइप वन, वो आपका रहेगा कि मिडल टर्म इसमें एब्सेंट रहेंगी, तो आपको यूज करना पड़ेगा एस नाइन फॉर्मूला जो कि मैं अभी आपको बता रहा। क्वाड्रेटिक का पार्ट टू ये रहेगा आपका वन अपॉन क्यू, ये ऐसा ही रहता और यहाँ पे मिडल टर्म प्रेजेंट रहती है, तो ये तो ठीक है, ये तो एक ही पार्ट है जिसमें मिडल टर्म एब्सेंट रहती, ठीक है इसमें मिडल टर्म प्रेजेंट रहती, तो यहाँ पे हम करते हैं हाफ मर्डर, नहीं वो हाफ मर्डर क्या है मैं बाद में बताऊंगा आपको, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये आपको लिखना है अभी, ये याद रखना है क्योंकि मैं आगे जा रहा अभी इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और क्वाड्रेटिक का टाइप थ्री, एक दो तीन पी एक्स प्लस क्यू, अच्छा एक सेकेंड ना, ये विथ रूट विदाउट रूट दोनों है, वन अपॉन क्यू और वन अपॉन रूट क्यू दोनों के लिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक का थर्ड इक्वेशन, और यहां पर भी ये जो है ना क्यू टी वन मतलब क्वाड्रेटिक का फर्स्ट टॉपिक, तो यहां पर भी जो फॉर्म्स आते हैं ना आपके, ये मैं लिख के देता, पहले आप इसका फोटो निकालो, बाद में मैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का ढंग से बिल्कुल प्यार से आपको लिख के दूंगा। तो यहां पे लीनियर इक्वेशन अपॉन क्यू, लीनियर इक्वेशन अपॉन क्यू, तो यहाँ पे आएगा आपका फॉर्मूला, ये भी मैं लिख के दूंगा कि वो फॉर्मूला कौन सा, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा आप इसके तरफ प्यार से देखो, और इसके बाद में मैं आपको एक टेबल निकाल के देता, उस टेबल को आप लिख के रखो। ठीक है तो मैं इसका एक छोटा सा एक पिक्चर निकाल लेता, फोटो निकाल लेता, और आपको मैं कुछ लिख के देने वाला हूँ, दैट इज योर क्वाड्रेटिक का सेकंड पार्ट। टाइप टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को मैं क्वाड्रेटिक क्यू से बोलता, तो यहां पे जी एफ नहीं जनरल फॉर्म, फिर है मेथड, ठीक है एक काम करते हैं ना,
सीरियल नंबर लिखते पहले, फिर लिखते जनरल फॉर्म, मेथड, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब उसका लुक कैसा है, ठीक है, हैशटैग लुक कैसा दिखता। और सेकंड है तुम्हारा मेथड, इस पर हम मेथड कहाँ लगाएंगे, कौन सी वाली मेथड लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला वाला जो है वो सुनो, वन बाय क्वाड्रेटिक रहा ऑब्लिक, वन बाय रूट क्यू रहा ऑब्लिक, ऊपर क्यू रहा ऑब्लिक, रूट ऑफ क्यू रहा। तो हैशटैग लूप क्या रहता है आपका, मिडल टर्म जो रहती है ना आपकी एम्प्टी, माने मिडल टर्म क्या रहती है आपकी, नहीं रहती, एब्सेंट रहती, यानी फॉर्म क्या रहेगा आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी के जैसा फॉर्म रहेगा, मिडल टर्म यहाँ पे नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम मेथड यूज करेंगे एस नाइन का फॉर्मूला, हमेशा गोल देके लिखना याद रहना चाहिए। उसमें क्या छह मैंने लिख के दिया, तीन बाकी है, अभी लिख के दूंगा कुछ समय में। कठिन काम है। क्वाड्रेटिक का टाइप टू, जनरल फॉर्म क्या है बोलो, क्या है जनरल फॉर्म सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वही है जो मैंने पहले लिख के दिया था। हाँ बस ये नहीं आता, ये वाला भी है एक्चुअल में, लेकिन इसको मैंने रूल्स में डाला हुआ है, तो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ टाइप्स पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहाँ पे मिडल टर्म प्रेजेंट रहती, यानी यहाँ पे फॉर्म रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। यहाँ पे हम यूज करेंगे वही मेथड जो हम बचपन में पढ़ते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या फिर इस मेथड को फेमस है हाफ मर्डर स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और बस एक लास्ट है, फिर खत्म हो गया मेरा क्वाड्रेटिक की थर्ड, ये हो गया आपका। इसमें ऊपर ये रहता पी एक्स प्लस क्यू अपॉन क्यू ऑब्लिक पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट क्यू। तो यहाँ पे मिडल टर्म जो है वो प्रेजेंट रहती और क्वाड्रेटिक का फॉर्म रहता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है आपके क्वाड्रेटिक इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू, ठीक है। और इसमें जो है वो हम यूज करते एक फॉर्मूला जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ये क्या बोलते हैं फेमस फॉर्मूला है, लेकिन मैं जैसा है वैसा ही उसे लिख दूंगा, ठीक है, मिल गया। फॉर्मूला है न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो ये जो अभी मैंने पढ़ा है ये पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो आई थिंक 9:15 हो गए आपके, चलो 9:19 हो गए, तो आप यहाँ से प्रस्थान करो। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो कृपा कर मुझसे संपर्क करो, या आप मुझसे पर्सनली आकर भी पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। वैसे मुझे बढ़ने रहना था, लेकिन मेरी नानी गुजर गई तो उसके वजह से मैं आ नहीं पाया वहाँ पे, ठीक है। शायद मुझे जाना भी पड़ सकता गाँव को, तो एक दो दिन छुट्टी रहेंगी आपको, तो मैं बता दूंगा कब रहेंगी। अभी से हो सकता कि मैं वहाँ पे लेके जाऊँ ये सब, वहीं पे पढ़ा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आता मुझे, ठीक है। सो हरी बोल, कल मिलबो, ओके ममता।